उनका एक कान तो पिछले 10 साल से बंद था, लेफ्ट वाला। राइट में भी धीरे धीरे उसने काम करना बंद कर दिया था, और जैसे काम करना बंद किया तो फिर ये तुरंत यानी कि आपके पास भागे, केस ज्यादा ना बिगड़ जाए। मैंने ही कुदरती एक साल पहले यूट्यूब चला रहा था और आपका वीडियो मेरे पास आ गया, और मैंने तुरंत इनको वो वीडियो सेंड कर दिया, और इनको जैसे सेंड कर दिया इन्होंने तुरंत मेरे को कॉल किया। पर उस टाइम ये यानी कि सलाह मशवरा करते करते इन्होंने एक साल लगा दिया, और पिछले जो 5 महीने इस वजह से रुक गए क्योंकि वो कोरोना की वजह से। और तब उस दौरान इन्होंने नाना करते हुए 50-60 हजार की दवाइयां भी खा ली, और मैंने इनको बोला भाई आप अगर इनको ये महसूस हो रहा था भी ये 21-22 हजार पे कहीं ऐसा व्यर्थ ना चला जाए, फिर रास्ते में मैंने इनको बोला भी उससे अच्छा तो आप उसी टाइम तुरंत आ जाते। सही बात। ये फिर बोले रास्ते में मेरे को बस पे गए, भाई साहब मैंने वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर ली। मैंने इनके लिए रिस्क लिया, मेरा एक साल पहले किडनी में कोई गांठ हो गई थी, लेफ्ट वाली, और किडनी मेरे को रिमूव करवानी पड़ गई, निकाल दी मेरी एक किडनी से काम कर रहा है मेरा। पर इन्होंने मेरे को बार बार रिक्वेस्ट किया, वो कहते हैं ना पंजाबी में जो बोले वो ही बुआ बोले, तो इन्होंने मेरे को ही बोला भाई आपने मेरे को बताया था आप ही मेरे साथ चलो। तो मैंने अपनी यानी कि स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए, क्योंकि ये इनकी जो दिक्कतें थी मेरे को बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपने आपके लिए मैं यानी कि जी जान लगाने को तैयार हूँ। मेरा दिल तो जिस दिन एक साल पहले मैंने वीडियो सुना था, मेरा दिल तो उसी दिन गवाही दे रहा था भाई ये सिस्टम दी बेस्ट है। पर हर आदमी के पास तीसरी आंख नहीं होती, ठीक है ना जी। तो हमारा दिल तो काम कर रहा, गवाही दे रहा था भाई ये काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है 20-22 हजार का रिस्क है ना जी। वो हम ये सोच लेंगे अचानक हमारी गाड़ी अगर कार गर्म होगी और उसका ओवरऑल करवाना पड़ गया 20-25 हजार रुपए लग गया, वो दिल समझाने की बात है जी। सही तो वो मैंने इनको बहुत एग्जांपल दिए, मैंने कहा ऐसा कर लो आप ये सोच लो आपकी कार अचानक पानी डाला गर्म होगी और उस पे 25 हजार लग गया तो आप लगा दो, फिर भी इन्होंने सोचने में एक साल लगा दिया। मेरे को तो सर उसी दिन से विश्वास था, पर अब जब आपने इनको साक्षात चेक किया और आपने इनको 12 फुट की दूरी से भी जब दो चीजें पूछी, तो इन्होंने उन चीजों के बारे में वही जो पूछी उसके बारे में बताया, तो अपने को तो पहले भी तसल्ली थी अब भी तसल्ली है। थैंक यू। सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है और अपने पॉजिटिविटी का है। ये तो ये कह रहे हैं भाई एक्चुअल में हमारे बेटे की शादी दिल्ली की हुई है, उनका जो मेरा जो दामाद है उनका बुआ का बेटा जन्म से ही यानी कि उसको ना बोल रहा है ना सुन रहा है, और पर पढ़ाई में बहुत होशियार है। कल भी मेरी उनके फोन पे बात हुई जब मैं बस में बैठने लगा, सर मैंने कहा हम तो जा रहे हैं अब आप देख लो, वो कहते सर जैसे आप जाओ आपको जैसे पता चले मेरे को तुरंत बताना, मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ जाऊंगा। और उन्होंने भी नाना करते मेरे को लगता है 10-15 लाख रुपए लगा दिए होंगे शुरू से लेके अब तक, और 2 मशीनें लगी हुई है लड़के के दोनों कानों में, और पढ़ाई में होशियार है फर्स्ट आता है, और इनके 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 10-12 लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही ये ओके हो तो हम पीछे पीछे भागे चले जाएंगे। मेरे को तो दिल से जो अगर मैं बताऊं आपको दिल से सलाम करने का दिल करता है। अपने बच्चे के कान के इलाज के लिए 17 साल, एक कान से सुने नहीं दे रहा बचपन से, और दूसरे कान से थोड़ा 30-40% ही सुनाई दे रहा, यही वीडियो फेसबुक पे देखा। लग रहा है अभी होगा बच्चा ठीक होएगा ऐसा लग रहा है। क्या मतलब पहले जो हमने डेमो लिया उससे दवाई लेने के बाद जो रिजल्ट था थोड़ा पॉजिटिव है, वो भी एक बार खुद आके इधर प्रैक्टिकली देखे रिजल्ट आता है कि नहीं, मतलब उनका भी अगर कोई डॉक्टर से इलाज वगैरह लेके रिजल्ट नहीं आ रहे यहाँ का तो रिजल्ट आए। मेरे कानों से कम सुनाई पड़ता था, ये करीब 2 साल हो गए। मैं यूट्यूब पर देखा था, यूट्यूब में जो देखा सुना तो सबसे सोचा कि शायद कुछ फर्क पड़ जाए, क्योंकि उसमें आपने बताया था कि कुछ ज़्यादा एज वालों के 100 साल वालों के फर्क पड़ गया, तो फिर तो हमको भी पढ़ना चाहिए। सही बात है सर। ये सोच के आ गए।
ठीक लगा, अच्छा लगा, पॉजिटिव रहा। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको पता चले या हम बताएं या कि इस तरह से बहरापन ठीक हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने योग्य बनाएं जो नहीं सुनते हैं या जिनको परेशानी है।